यूपी साबित करेगा विश्व लेवल पर अपनी पहचान। नितिन गडकरी और योगी मिलकर बढ़ाएंगे यूपी का स्वाभिमान। यूपी में स्थापित हो गया ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। यूपी की जनता हो रही खुशी से ओतप्रोत। हमारे साथ समझिए यूपी में बह रही विकास गंगा का साक्षात उदाहरण और जानिए यूपी में कौन बना बढ़ते स्वाभिमान का सबसे बड़ा कारण। आज पूरा विश्व बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए मशक्कत कर रहा है। चीन से लेकर अमेरिका समेत कई अन्य बड़े छोटे देश ग्लोबल वार्मिंग के ग्राफ को कम करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी दमखम की रणनीति में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा किया है कि विश्व के लिए मिसाल बन गया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बताया कि भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का सपना किसान ही पूरा करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी की अगुवाई में ऊर्जा के विकल्पों को लेकर जो प्रयास चल रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में भारत ऊर्जा का बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। तो वहीं हाइड्रोजन ऊर्जा को क्षेत्र का भविष्य बताते हुए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी मंशा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने वाला पहला राज्य बने, क्योंकि योगी ही ऐसे हैं जो वेल्थ से वेल्थ बनाना जानते हैं। इसी सोमवार को नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में देवरिया में 6215 करोड़ रुपए व प्रतापगढ़ में 2200 करोड़ की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए अन्य विकसित योजनाओं का वादा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि कचरा, गंदा पानी और बगास से हाइड्रोजन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में इस मामले में सौभाग्यशाली है कि इसके पास जमीन और पानी की कोई कमी नहीं है। इन्होंने एथेनॉल उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि देश में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत है और उत्पादन 500 करोड़ लीटर का ही है। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा तो डीजल, पेट्रोल और गैस का आयात कम करना पड़ेगा। जो रुपए विदेश जाते हैं वो किसानों के घर जाएंगे। अन्नदाता की तकदीरें तभी बदलेंगी जब वह ऊर्जादाता बनेगा। इससे पहले प्रतापगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए गडकरी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो भविष्य की झलक भी सामने सबके रखी। परिवहन मंत्री गडकरी ने प्रतापगढ़ के सुखपाल नगर के बनवीर कक्ष में समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। तो वहीं परिवहन मंत्री ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अब यह बीमारू नहीं आदर्श राज्य है। कानून व्यवस्था ठीक होने से उद्यमी निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। आगे गडकरी ने सभी को एक सूत्र में बांधते हुए कहा कि हमारी एक ही सोच है, हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। यूपी की सुधरी कानून व्यवस्था की चर्चा उन्होंने श्री भागवत गीता के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य का स्मरण कराते हुए की। कहा कि योगी ने कानून व्यवस्था में जो कड़ाई अपनाई है उससे दर्जन शक्तियां परास्त हो गई हैं। तो वहीं इसी के साथ देवरिया व प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार ने विकास व सुरक्षा का जो मॉडल दिया है वो गरीब कल्याण का मॉडल है। तो वही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से भारत के भविष्य को बेहतर और बेहतरीन उम्मीद की अब पहले से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन के रूप में उभर कर सामने आने से उत्तर प्रदेश को एक नई विकास पक्की पगडंडी पर आगे बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो वहीं योगी सरकार के इस कदम से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं।